भगवान गौतम बुद्ध मृत्यु से शक पर अंतिम सांसें गिन रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को बुलाया। बुद्ध अपना अंतिम भोजन ग्रहण कर चुके थे। इस भोजन को उन्होंने कुन्हा नामक एक लोहार से भेंट के रूप में प्राप्त किया था। भोजन करने के बाद उनकी स्थिति गंभीर होती गई। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वे कुन्हा को समझाइए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि ये भोजन तो अतुल्य है। तभी पास के किसी रोने की आवाज़ सुनाई दी। गौतम बुद्ध ने अपने समीप बैठे शिष्य आनंद से पूछा, आनंद ये कौन रो रहा है? आनंद ने कहा, भंती भृतक आपके अंतिम दर्शन के लिए आया है। बुद्ध ने कहा, तो उसको मेरे पास बुला लो। बुद्ध के पास आते ही भृतक फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, आप नहीं रहेंगे तो हमें ज्ञान का प्रकाश कौन दिखाएगा? बुद्ध ने भृतक से कहा, भृतक प्रकाश तुम्हारे भीतर है, इसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो अज्ञानी है इसे दिवालियों, तीर्थों, कंधराओं या गुफाओं में भटकते हुए खोजने का प्रयत्न करते हैं, वे सभी अंत में निराश होते हैं। इसके विपरीत मनवाड़ी और क्रम से एकनिष्ठ होकर जो साधना में निरंतर लगे रहते हैं उनका अंतःकरण स्वयं दीप्त हो उठता है। इसलिए भृतक अपदीवो भव, अर्थात आप स्वयं दीपक बनो, यही मेरा जीवन दर्शन है। इसे मैं आजीवन प्रचारित करता रहा। भगवान बुद्ध का यह अंतिम उपदेश सुनकर भृतक को समझ में आ गया कि अपना दीपक स्वयं बनने के लिए उसे क्या करना होगा। उसने उसी दिन से मनवाड़ी और क्रम से एकनिष्ठ होकर साधना करने का मन बना लिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।